मेरे को ऐसा लग रहा है भाई एकदम जम्मू कश्मीर के इंटीरियर में घुस गया हूँ मैं। बाय 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 बाय। आगे भाई कीचड़ ही कीचड़ है, पता नहीं कितना बड़ा कीचड़ है। छोड़ो यार विलेज का नाम, खूबसूरती देखो विलेज की, आप नजारे या कुछ भी बोलो भाई, नजारे मस्त है। ये देख रहे हो भाई किस तरीके का इलाका है यहाँ, परकाचिक विलेज। एकदम ऐसा लग रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की वाइब आ रही है भाई। आता तो ये जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं जैसे कि एकदम जम्मू कश्मीर के इंटीरियर में घुस गया हूँ भाई एकदम। कि वही वाला मतलब लोगों का लिबास, ये सब तो लेबर है। खैर अभी मैंने पीछे कुछ लोगों को देखा था भाई, एकदम बड़े बड़े वो जो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं पहनते बड़े बड़े कुर्ते टाइप के, वो पहन के भाई, और वो मोमडन वाली टोपी लगा के। और इन वादियों से अगर गुजर रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई एकदम जम्मू कश्मीर के इंटीरियर में घुस गया हूँ मैं। जैसे फिल्मों में दिखाते नहीं है वैसे, एकदम वैसी वाइब आ रही है। कोई नहीं, कश्मीर ट्रिप भी अपनी प्लान है, वो भी एक बार जरूर दिखाएंगे आपको। कुछ भी हो, पहाड़ों के नज़ारे कम नहीं है भाई, चाहे जहाँ से देख लो, ऑफ रोड से देख लो, रोड पे से देख लो, गांव से देख लो, सब जगह एकदम मतलब नज़ारे कम नहीं है। ये वाला पार्ट मैंने वीडियो में देखा हुआ है, एकदम भाई वैसे ही खतरनाक सा लगता है। ये देखो भाई एकदम खतरनाक सी वाइब आ रही है यहाँ। जो जितना ज्यादा खूबसूरत होता है ना भाई, उतना ही खतरनाक होता है, ये भी जान लेना तुम। जम्मू कश्मीर जितना ही खूबसूरत है उतना ही खतरनाक, लेकिन है बड़ा बढ़िया भाई देखने में। ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है यहाँ, लोग भी अपना लेबर ज्यादा नहीं मिल रही यहाँ, थोड़ी बहुत मिल रही, बाकी तो लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पे। बाय 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 बाय। जो जम्मू कश्मीर में ज्यादातर घर होते हैं ना, वो फ्लोर वाइज होते हैं और सर्दियों के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, क्योंकि सर्दी यार बर्फ वगैरह ज्यादा पड़ती है वहां पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे ना इनके जानवर रहते हैं जो ये पालते हैं, भेड़ गाय या और कुछ, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पे इनका राशन पानी होता है, जानवरों का राशन पानी होता है, तो वो सारी चीजें रखते हैं अपना, लकड़ी वगैरह। और दूसरा है कि जो सेकंड फ्लोर होता है वो उसमें खुद रहते हैं, और उसके ऊपर भी अपना किचन वगैरह भी बनाते हैं ये। तो इस तरीके से यहाँ की चीजें चलती रहती हैं सर्दियों के अकॉर्डिंग भी। One hour later. ये देखो भाई, हम पहुंच चुके थे परकाचिक विलेज। उस विलेज के बाद देखो कुछ ऐसे ही मिल रहा है भाई, पिछले एक घंटे से थोड़ी देर सही होता है, फिर बाकी तो सारा ऐसे ही है। देख रहे आगे भाई कीचड़ कीचड़ है, पता नहीं कितना बड़ा कीचड़ है। आज से पहले भाई कभी नहीं किया मैंने ऐसा, मतलब बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है भाई इसमें। कब आएगा भाई कारगिल? आज कल तो ऐसा लग रहा था पदुम कब आएगा, आज ऐसा लग रहा था कारगिल कब आएगा भाई। जूते तो एकदम एक एक किलो कीचड़ से भर गए हैं, और जितने भारी जूते थे ना उससे भी भारी लग रहे हो। और ऐसे ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड, पता नहीं कितना ऑफ रोड भाई, अभी तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग 50 किलोमीटर होगा ऐसा ऑफ रोड। 50 किलोमीटर होगा तो जान निकल जानी मेरी। कोई नहीं, ये सारी मेहनत के बाद अच्छी रोड भी मिलेगी भाई, जैसे मेहनत के बाद फल मिलता ना वैसे ये ऑफ रोड के बाद भाई अच्छी रोड आएगी। पता नहीं कौन से जमाने में बनेगी ये रोड, अंदर तक इतनी रोड बन गई है जंस्कार में, यहाँ बाहर कारगिल की साइड देखो कोई नामो निशान नहीं। पता नहीं थोड़ी रोड बनाते हैं थोड़ी नहीं बनाते,
ये क्या लॉजिक है भाई यहाँ के लोगों का, समझ में नहीं आया मेरे को। बाइकर्स थे ना हमारे साथ भाई, वो तो पता नहीं कहाँ गायब भी हो गए। वो बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं, पता नहीं मैं उतनी स्पीड में चल नहीं पाता भाई। चलिए भाई ऑफ रोड को पार करने में मेहनत लगाते हैं थोड़ी, आपसे थोड़ी देर बाद बातें करते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, अभी तो ऑफ रोड कर रहा था और मुझे देखो पक्की सड़क दिख गई। अब पक्की सड़क भाई बस 10 मीटर दूर है मेरे से, देख रहे हो। मैंने कहा था ना भाई मेहनत का फल मिलता है। ये लो। जय माता रानी की, आपका लाख लाख शुक्र है माँ। हा, लग रहा है भाई वो बाइकर पक्की रोड पाके एकदम गोली हो गए। और ऐसे कारगिल तक मिल जाए भाई, मजा आ जाएगा। माता रानी ही ऐसी रोड हो भाई, मजा आ जाएगा। हा, कितने अरसे हो गए इस रोड को देखे हुए, लास्ट डांस कार्ग में ही देखा था थोड़ा सा। पता नहीं कौन सा विलेज है भाई, इसमें कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा। कारगिल, कारगिल बोर्ड लगा था, मैं पढ़ नहीं पाया, तेजी में था मैं, कैसे नाम था उसका। छोड़ो यार विलेज का नाम, खूबसूरती देखो विलेज की आप। लो इंटीरियर कश्मीर देखो आप, इंटीरियर कश्मीर, कारगिल डिस्ट्रिक्ट है सारा। ओ भाई चॉकलेट, लो भाई तुम चॉकलेट ले ही लो, चॉकलेट चाहिए चॉकलेट, इधर आओ इधर। बाइक नहीं छूने का, क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन आपका, पैरेटा उस पे से। थैंक यू, वेलकम। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम अच्छा, आपको मिल गया? चलो जाऊं मैं, चलो बाय बाय बोल दो, बाय 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 बाय, चलो बाय। ये बच्चे तो यार डरा देते हैं ऐसे, इस तरह के ऐसे रोकते हैं। दे दिया मैंने चॉकलेट इनको। हाँ, क्या खूबसूरत विलेज है भाई, देख रहे हो। मॉर्निंग वॉक करने के लिए बड़ा बढ़िया भैया, साइकिलिंग करने के लिए भी बड़ा बढ़िया। ये देखो दो लोग साइकिलिंग कर रहे हैं मस्त एकदम। भाई ये देखो गांव है, गांव में सर्दियों के हिसाब से घर बने हैं सारे, अमीर लोग है भाई, गाड़ियां खड़ी है ऐसे थोड़ी है। ओ भाई सड़क पे लेट के मोबाइल चला रहा। पानीखर विलेज था ये, पानीखर विलेज। राहुल पांडे इस तरीके से अगर रोड हुई कारगिल तो तुम तो जल्दी पहुंच जाएंगे, भगवान कर रहे हम जल्दी पहुंच जाए। आप लोग कमेंट करके यार बताओ ना यार, जोंस का राइड में मजा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरे को जानने के हैं कि हमारी जनता को मजा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वाओ हम तो मजे ले रहे हैं आप नजारे देख के लाइव, आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। बाय। एक बात तो पक्की है भाई, अगर मैं जब कश्मीर का ट्रिप बनाऊंगा ना भाई, ये लोग रुकेंगे ना इस तरीके से भाई, बच्चे रुकेंगे ना मैं तो डर ही जाता हूँ, इनके रोकने का अंदाज बड़ा खतरनाक है। और रुको 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 भाई, हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं सारे एकदम,
रुकेगा ये तो, चॉकलेट दे या तो पैसे दे। DL3S इधर अपना नाम लिखना, अपना बैग का नंबर और मोबाइल नंबर, कहाँ से आया कहाँ जा रहे वही लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे भाई चेक पोस्ट था ये हमारी एंट्री कराने के लिए, नाम मोबाइल नंबर, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो और गाड़ी नंबर, ठीक है। ये बच्चे देखो हाथ ऐसे हिलाते हैं, बच्चे देखो ऐसे हाथ हिलाते हैं भाई। सही है, अच्छा लगता है। पीछे अभी यार वो मिले थे मैसूर वाले भाई साहब, एक मार्केट में चाय वाय पी रहे थे, उन्होंने बोला भाई चाय वाय पी लो, मैंने कहा भाई अब कारगिल पहुंच के पी लूं मैं। वो कह रहे थे वहाँ के लोकल्स बता रहे थे यार अभी यहाँ से 68 किलोमीटर है और अभी एक डेढ़ घंटा लगेगा जाने में, ऐसे ही रोड है, ऐसे ही रोड है, फिर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो दो अंग्रेज मिले थे ना US वाले, वो जा रहे हैं सामने, काफी स्पीड में चलाते हैं भाई, बहुत ज्यादा। अपने को भी सीखना पड़ेगा यार, इतना अच्छे से मैं चला नहीं पाता भी बाइक, मेरे को ऐसा लगता है इन लोगों को देख के मेरे को डर लगता है एकदम टर्न्स पे एकदम स्पीड में भगाने में। कोई नहीं, आराम से चल लेंगे, 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कोई आफत नहीं आ रही। अरे भाई बड़ी तेज मार रहे हैं यार तू, ओ भाई मेरा हाथ पहले से ठंडा था, इन्होंने मार दिया बड़ी तेज भाई, लग गई बड़ी तेज। चलो इससे मिला लेते हैं, ओ भाई स्पीड की वजह से लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है तेज नहीं मार रहे वो, हमें स्पीड में है ना इसलिए लग रही है। नजारे है कुछ भी बोलो भाई, नजारे मस्त है, इस राइड के मजे भाई एक नंबर है। उसमें दर्द चाहे जितना हुआ, तकलीफ चाहे जो आई हो, गीले हो गए, वाटर क्रॉसिंग आ गई, खराब रोड आ गई, बारिश आ गई, हर चीज हो गया, लेकिन नजारे तो एक नंबर है भाई, नजारे के लिए कोई फेल नहीं कर सकता संस्कार को। कारगिल कितना दूर है? कारगिल यहाँ से 40 किलोमीटर। अच्छा रोड ऐसे ही है? रोड ऐसे ही। 1 hour later तो फाइनली यार इतनी लंबी राइड, इतनी खतरनाक राइड, इतनी दर्दनाक राइड के बाद हमने अपना टारगेट कर लिया है पूरा, पहुंच चुके हैं कारगिल। ये कारगिल की मार्केट है, काफी देर पहले से ही चालू है लेकिन मैंने कैमरा अभी स्टार्ट किया। फिलहाल अभी ढूंढना है हमें यहाँ पे एक रूम। मेन मार्केट कहाँ है कारगिल की? सीधा जाओ सर, आपको मेन मार्केट सामने ना। हाँ हाँ शुरू है मेन मार्केट, ठीक है थैंक यू। यहाँ की रौनक भी अलग है भाई, वही भी अलग है पूरी, कारगिल कारगिल। यहाँ तो सब ऐसा लग रहा है भैया छीना झपटी वाले हैं कि भैया मेरा रूम ले लो, मेरा रूम ले लो। थोड़ी पार्किंग वार्किंग मिलेगी ना हमें थोड़ी, तब थोड़ा सा सही रहेगा। कल जो मिला था ना पदुम में वो बढ़िया था यार एकदम, पार्किंग वार्किंग के साथ। मेरा एक मन ये भी कह रहा है यार लेह रोड पे ले लें, क्योंकि हमें जाना है कल लेह, उस रोड पे ही रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा, नहीं तो पता चले कहीं और ले लें हम तो दोबारा से फिर उसी रोड पे जाना पड़ेगा। तो फाइनली कैसे हैं आप लोग, ये तरोताजा मुस्कान देख रहे हैं, इसकी भी वजह है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं कारगिल और कारगिल में हमने होटल ले लिया, नहा भी लिया है हमने, तो थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा हूं। और काफ़ी ढूंढने के बाद यार मैंने होटल ले लिया है और होटल का आपको पहले टूर करा देता हूं, कैसा है होटल उसके बाद चीज़ें बताता हूं। ये देखो कुछ ऐसा है होटल,
ये वाला वॉशरूम है, इसके अंदर गीजर वीजर लगा है। ये यहाँ पे ये इस तरह से है, और यहाँ पे ये हमारा भाई सूख रहा है सारा सामान। और ये यहाँ पे देखो तहस नहस मचाया है हमने। यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ हेलमेट है, यहाँ पे ये दोनों बैग रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो ये अपना तामझाम खुला हुआ है, कपड़े हमारे, ये कपड़े कुछ यहाँ पे थोड़े सूख रहे हैं। और हमारा जूता, जूते का हाल देखो, जूते में तो कीचड़ है बिल्कुल, ये भी सूख रहा है यहाँ पे। तो मैं सही सलामत कारगिल पहुँच चुका हूँ, और बहुत ही खतरनाक राइड यार, मतलब 225 किलोमीटर की राइड थी आज। कह सकते हैं 30 से 40 किलोमीटर मुझे अच्छे रोड मिले, बाकी पूरा ऑफ रोड भाई थका दिया। मतलब यार जितना मनाली से पदमू वाले में थका था उससे थोड़ा सा कम थका हूँ, ठीक है। इसमें बस इंतज़ार ही करना था कि भाई कब आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस कुछ ऐसी सी है कहानी हमारे डे 3 की। बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी मैंने आज, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस की। बाकी आपने वीडियो में तो देखा ही होगा यार, मैंने कैसी कैसी चीज़ें देखी हैं, आपको दिखाने के बाद ही मैं ये यहाँ पहुँचा हूँ। मतलब जंस्कार है, मैंने देख लिया कि भाई जंस्कार कैसा है। बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए आपको जंस्कार की राइड करने के लिए, थोड़ी मोटी हिम्मत या छोटी मोटी राइड करने के बाद आप मत आना, मैं यही सजेस्ट करूँगा। आप कोई बड़ी राइड पहले करो जहाँ पे अच्छे रोड हो, उसके बाद 2-3 राइड करो, उसके बाद यहाँ पे सोचना कि जंस्कार हमें जाना है, ठीक है। बंदे तो भाई थक जा रहे थे, लेकिन मैं 125 cc से इतनी बड़ी बड़ी राइड कर रहा हूँ, मनाली से डायरेक्ट पदमू आ गया। कोई भी ऐसा, मतलब मोटरसाइकिल वाले ने बहुत कम होते हैं कि मनाली से डायरेक्ट पदमू आ जाते हैं, सब लोग पूर्णे में ही रुक जाते हैं। मैं डायरेक्ट मनाली से पदमू आ गया 200 किलोमीटर का ऑफ रोड करके, उसके बाद पदमू से डायरेक्ट कारगिल आ गया, वो भी अभी पूरी तरह रात नहीं हुई है। मैं सुबह 8 बजे चला था पदमू से, और अभी आए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है, तकरीबन 7 बजे मैं आ गया था, ठीक है। 11 घंटे में पदमू से कारगिल आ गया मैं। मतलब मेरे लिए यार अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने किया है, बाकियों के लिए पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है। 125 cc से इतनी बड़ी राइड, इतनी डिफ़िकल्ट राइड करना आसान बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग क्या सोचते हो यार कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग पहली बार आए इस चैनल पे, इस चैनल के वीडियोस देखिए, पसंद आए तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, और मेरी और भी सीरीज आप देख सकते हैं। स्पीति वैली को देखिए, जांस्कार राइड को पूरा देखिए। कोई क्वेश्चन हो जांस्कार से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। फिलहाल हम करते हैं अभी डेटा ट्रांसफ़र, और कल की तैयारी करते हैं लेह जाने के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना। वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।